अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो फोरियर सीरीज के मुतालिक है। इसमें हम फोरियर सीरीज के मुतालिक डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे दैट व्हाई वी स्टडी फोरियर सीरीज। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि फोरियर सीरीज इज अ वे टू प्रेजेंट अ फंक्शन एज अ सम ऑफ सिंपल साइन वेव्स। जैसा ये एक नीचे आपको ब्लू शेप में कर्व भी नजर आ रहा है साइन वेव। तो जब भी हमने किसी फंक्शन को एज ए साइन वेव्स या वेव की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम फोरियर सीरीज को यूज करते हैं। अ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंसिस्ट ऑफ ए स्मूथ सरफेस। तो जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन कॉस है तो इनका जो है वो जो शेप है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। और जैसे ही इनमें हम मजीद ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स ऐड करते जाएं, इफ वी कंटिन्यू टू ऐड दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यू कैन गेट अ फंक्शन विद अ डिफरेंट शेप। अभी मैं आगे दिखाऊंगा अभी कि जैसे जैसे हम एक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड करते जाएंगे तो उसकी शेप चेंज होती जाएगी। देखें ये पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। इसका ग्राफ देखें बिल्कुल स्मूथ ग्राफ। अब मैं इसमें एक टर्म मोर ऐड करूंगा यानी वन इसमें ऐड करूंगा 1/3 साइन 3x। तो फिर आप देखिएगा कि इसका ग्राफ किस तरह का आएगा। जी ये देखें ये जो रेड वाला है ये इसमें मैंने एक टर्म मोर ऐड कर दिया, एक टर्म मोर ऐड कर दिया तो ये ग्राफ जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक और टर्म ऐड करते हैं इसमें दैट इज 1/5 साइन 5x। जी ये ब्लू वाली जो है इसमें अब तीन टर्म्स हो गई हैं साइन एक्स 1/3 साइन 3x 1/5 साइन 5x। तो ये ग्राफ देखें और शेप चेंज कर गया। कीप ऑन एडिंग दीज टर्म्स। जैसा एक और टर्म ऐड कर दी तो ये देखें और ग्राफ जो है वो हमारा जो है वो चेंज हो गया। तो इवेंचुअली क्या होगा कि जैसे जैसे हम इसमें टर्म्स ऐड करते जाएंगे तो ये जो ग्राफ है वो जो ये लाइंस हैं इनकी शेप की तरह का होता जाएगा। और जब हम इनफाइनाइट मेनी लाइंस ऐड करेंगे तो फिर देखें हमारे पास किस तरह की फॉर्म बनती है। इनफाइनाइट सम कर दें यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स ऐड कर दें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो स्क्वायर नंबर फर्स्ट जो है वो स्क्वायर शेप है और नंबर टू और थ्री जो है ये सॉ टीथ है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट शेप्स हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट। यही फोरियर सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी भी जब भी किसी फंक्शन को चाहते हैं कि उसकी वेव फॉर्म बनाए तो फोरियर सीरीज ऑब्टेन करते हैं और वहाँ से फिर हमारे पास इस तरह के ये वेव की फॉर्म के स्क्वायर शेप और ये सॉ टीथ या सॉ टूथ के टाइप के फंक्शन आ जाते हैं। और ये इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोरियर सीरीज के। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।